हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम लोग जुडिशियल के थर्ड लेवल दैट इज इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई एम हियर टू गिव सर्टेन टिप्स टू यू रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. सबसे पहला टिप है कि यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर इंटरव्यू अटायर. इसके अलावा आपका कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर होना चाहिए. यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज. आपके बॉडी लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. आपके बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि यू आर अंडर सम प्रेशर और या फिर आप पैनिक हो रहे हो. आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज में अपना कॉन्फिडेंस शो करना है. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश. यू डोंट हैव टू एक्ट फेक इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरी. आपको सिर्फ सीधे सीधे बोलना है दैट सर सॉरी या मैम सॉरी आई एम अनअवेयर ऑफ दिस. आई विल श्योरली रीड अबाउट इट. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ देम. यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. अब अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं सो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. बट वैसे अगर हम देखें तो इंटरव्यू स्टेज में कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं मेंशन. इट इज समथिंग विच कैनॉट बी लिमिटेड. कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है. बट जनरली करंट अफेयर्स, लॉ एंड अबाउट योर पर्सनैलिटी, ये तीन चीज़ों पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. लॉ और करंट अफेयर्स सब लोग पढ़ के आए हैं, सबको पता है, आप भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे. बट आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके खुद के बारे में ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर सम क्वेश्चंस विच शुड नॉट बी रॉन्ग. ये गलत नहीं होने चाहिए. बिकॉज अगर ये गलत होते हैं तो इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर सेल्फ. सो यू शुड प्रिपेयर हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ योर नेम. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके फैमिली में कोई लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, देन वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ जज. एंड जनरली ऑल्सो दे आस्क कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ जज, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, वॉट मोटिवेटेड यू टू गेट इन टू जुडिशियल सर्विसेज, फ्रॉम हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्रिपेयरिंग, एट्सेट्रा, अबाउट योर ऑल्सो अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. इसके अलावा आपसे आपके सिटी या आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के बारे में पूछा जाता है. बेसिकली आपकी सिटी के बारे में पूछा जाता है कि आपकी सिटी में अगर कोई फेमस चीज़ है, वो फेमस मॉन्यूमेंट भी हो सकती है, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, फेमस फूड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, फेमस आर्टिकल हो सकता है, कोई भी फेमस गुड्स हो सकते हैं. आपको उसके बारे में थरली पता होना चाहिए. आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने सिटी की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए द बेस्ट मेथड इज, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करें, उसके आंसर्स लिखें, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे. और वो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, यू हैव टू सिट और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस. सो दैट इज मंत्र फॉर क्लियरिंग द इंटरव्यू. तो ये कुछ टिप्स है इंटरव्यू के लिए. इफ यू विल फॉलो दीज टिप्स, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू क्लियर द इंटरव्यू. एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू एक्ट फेक एंड यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस, दैट बॉडी लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द जजेस और इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.